सर, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन लिंक्यू सीरीज। तो आज के वीडियो में हम लोग एनी ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑल ऑपरेटर के बारे में जाना था, इस वीडियो में एनी ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। क्वांटिफायर ऑपरेटर होता है, एनी के बारे में जानेंगे। एनी क्या करता है, वो चेक करता है कि डेटा सोर्स में कोई भी एक एलिमेंट मैच, कोई भी एक एलिमेंट अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो उसको बोल देता है चलो मैं ट्रू कर देता हूँ, तो मैं वो ट्रू कर देता हूँ। तो यही सारा यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा सोर्स हैं। इफ यू सी आई हैव अ डेटा सोर्स टीवी स्टार्स है, जिसमें कुछ आईडी, नेम और लोकेशन है, और बाकी एक और लिस्ट आ रही है, वो कहाँ आ रही है, टीवी सीरियल्स की, जहाँ पे सीरियल नेम पड़ा हुआ है और एक पैकेज पड़ा है कि एक दिन का उनको कितना, एक दिन के शूट का कितना पैसा मिलता है उनको। ठीक है, तो मैं वही पुराना वाला अभी इस्तेमाल करूंगा। लिस्ट यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर दिया, लिस्ट टीवी स्टार्स गोइंग टू न्यू लिस्ट टीवी स्टार्स, अंदर गए न्यू टीवी स्टार्स किया, उसके अंदर आईडी डाल दी, नेम डाल दी, लोकेशन डाल दी, कॉमा करके टीवी सीरियल्स डाला, इक्वल टू न्यू टीवी लिस्ट टीवी सीरियल, उसके अंदर फिर से एक ब्रैकेट डाला जिस तरह से इसे करते हैं न्यू टीवी सीरियल। फिर मैंने कुछ दो सीरियल के नाम डाल दिए, एक तो मीट, दूसरा मैं भी हूँ कोई एक सीरियल है, वो दोनों सीरियल का नाम डाल दिया, और उसमें फिर मैं पैकेज डाल दिया कि इतना पैकेज है, दो लोग हैं इसमें। तो अभी मैं क्या करूँगा, ऑल ऑपरेटर की जगह पे एनी लिख दूंगा, और इसको मैं 15,000 की जगह पे 15 डाल देता, 15 में तो कोई भी मैच नहीं करेगा, 10 डालते हैं, इसको 8,000 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, एनी ऑपरेटर डाला और यहाँ पे इसको मैंने रन कर दिया। आया मेरा डेटा इधर शो पैकेज में देख रहे हैं, काउंट टू आया, क्योंकि एनी मतलब कोई भी एक मैच कर दिया। मिक्स में देखते हैं, अब मिक्स में कुछ चेंज भी नहीं किया था मैंने, सॉरी मिक्स वाले में चेंज नहीं किया था यहाँ पे। एनी में इसको फिर से देख लेते हैं, एनी यहाँ पे ग्रेटर देन 15,000 डाल देते हैं, इसको यहाँ पे रन कर देते हैं, रन हो रहा है। तो एनी चेक करेगा कि कोई भी मतलब कोई भी डेटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डाटा सोर्स में शो में काउंट टू आ रहा है, मिक्स में भी काउंट टू आ रहा है, 15,000 से ऊपर है यहाँ पे। टीवी सीरियल्स मतलब पैकेज जो है, एक्सपर्ट पैकेजेस है, वो ग्रेटर देन 15,000 है कि नहीं कोई किसी में, इसमें 18,000 15,000, इसमें 15,000 है। मैं अगर 20,000, एक मिनट एक काम करते हैं, इसको 22,000 कर देते हैं और इसको 20,000 कर देते हैं, और डेटा चेक करते हैं कि डेटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एनी में काम करेगा कि नहीं करेगा, रन हो रहा है। इसको मिनिमाइज करते हैं, शो पैकेज में देखेंगे, काउंट 1 आ रहा है, ये 1 कहाँ पे आ रहा है, पहला वाला देखेंगे एमबी वाले में 22,000 है, तो ठीक है, तो वो उठा के यहाँ पे दे देगा 22,000 वाला, क्योंकि यहाँ पे 20,000 से ही ग्रेटर देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एनी वाले में जानते हैं, इसमें भी दिखा रहा है, इसमें 15,000 किया है, सॉरी। तो एनी वाले में क्या कर रहा है, आप शो पे पहले वाले में देखेंगे पैकेज वाले में, तो मेरा ये जो मैं भी हूँ वाले में पैकेज 22,000 है, और हम लोगों ने चेक करना है 20,000 के ऊपर है कि नहीं, तो 20,000 के ऊपर एक डेटा सोर्स है, मतलब एक वाला मिल गया, तो मेरा वो यहाँ पे एक यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है, जो डेटा मैच कर रहा है वही आएगा, मतलब ऐसे नहीं कि जो मैच नहीं कर रहा वो भी आ जाएगा, वो नहीं आएगा, जो मैच कर रहा है वो आ जाएगा। ऑल में क्या था ना, अगर डेटा जो भी मैच भी कर रहा है, कोई भी एक मैच कर रहा है, तो वो डेटा रिटर्न नहीं करता था, वो सारे को मैच करना इंपॉर्टेंट होता था। एनी में यह करेगा ना, एनी में कोई भी एक डेटा मैच करिए, जो मैच कर रहा है वो डेटा तुम्हारा आ जाएगा, उसको फिर सेलेक्ट कर दो, वेयर करके सेलेक्ट करके टू लिस्ट बना के डेटा को दिखा दीजिए यूजर को। तो एनी में आपने देख लिया किस तरह से एनी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, मैंने यहाँ पे मिक्स वाला भी दिखा दिया, और मैंने यहाँ पे आपको वो भी दिखा दिया शो वाले में टिंपल कर रहे हैं, डेटा सोर्स डॉट वेयर किया, एक्सटेंड्स टू एक्स डॉट मतलब टीवी सीरियल्स डॉट एनी करके देख लिया कि उसमें एक और लिंक भी डाला, ए डॉट पैकेजेस ग्रेटर देन 20,000 है कि नहीं, फिर उसको सेलेक्ट कर दिया एक्सटेंड टू एक्स डॉट, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले वाले को, इसलिए मैंने दो अलग अलग नाम डाला है, एक्स डाला और ए डाला है। आप चाहे तो मीनिंगफुल नेम भी डाल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, बट जनरली लोग एक्स और ए और यही इस्तेमाल करते हैं लिंक यू में, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, फिर टू लिस्ट बना दिया, और फिर उसको आप ज़्यादा है तो फॉलिस्ट के लूप में डाल गए, आप दिखा सकते हैं। मिक्स वाले में क्या किया, फॉर्म टीवी वेरिएबल डाला, इन टीवी स्टार्स वेयर किया, टीवी डॉट सीरियल्स, टीवी के अंदर जो सीरियल्स वाला है, डॉट एनी चेक कर रहे हैं, एक्सटेंड टू एक्स डॉट, उसके अंदर जो पैकेज है ग्रेटर देन 15,000 है कि नहीं, अगर है तो सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करेंगे, मैं टीवी को सेलेक्ट कर लूँगा, टीवी में सब कुछ है, टीवी सीरियल्स भी है और नेम है, लोकेशन सब कुछ है, और उसके बाद ब्रैकेट बना के
टू लिस्ट डाल देता हूँ। बस ये दो चीज करनी पड़ेगी, इस तरह से आपका डेटा आ जाएगा। यही चीज आप सिंपल वाले लिस्ट में भी काम कर जाएगा, और आपके रियल टाइम सिनेरियो में डेटाबेस से डेटा आ रहे होंगे तो वहां पे भी उस तरह से भी आपका काम कर जाएगा। सिंपल वाले दिखाने की आई थिंक जरूरत नहीं है, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स वाला दिखा दिया तो कोई इशू नहीं है। सिंपल वाला देखना है तो मैं एक सिंपल से फटाक से एक डेटा बना देता हूँ आपको, आपकी नॉलेज के लिए। सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ नंबर्स डाल देते हैं, बार इस देयर इक्वल टू क्या करेंगे नंबर्स डॉट एनी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, ये बन गया, सेव कर दिया और यहाँ पे लिंक यू को मैंने यहाँ पे रन कर दिया। ठीक, डेटा मेरा इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला देखेंगे, रिटर्न फॉल्स कर रहा है। क्यों फॉल्स कर रहा है? क्योंकि कोई लिस्ट भी नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है, तो डेटा नहीं है एनी वाले में, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये थोड़ा सा आप डेटा अगर आ जाएगा तो आप डेटा डाल के आप कंडीशन डाल कर सब कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जाना कि एनी ऑपरेटर क्या होता है। एनी ऑपरेटर आपको बता दिया कि डेटा सोर्स में चेक कर रहा है कोई भी एक डेटा मैच कर रहा है कंडीशन की नहीं कर रहा। अगर कोई मैच कर रहा है तो उसको दिखा देगा वो डेटा को। अगर ऑल में क्या होता है ना, सारे डेटा मैच करना चाहिए करना होता है इन डेटा सोर्स। ये दो चीजें हमने जान ली, ऑल जान लिया, एनी जान लिया। अगले वाले वीडियो में जानेंगे कंटेनर्स क्या होता है। बाकी हमारे एचपी ऑन एंड एमवीसी की सीरीज चल रही है, डॉट एंड फ्रेमवर्क की चल रही है, डॉट एंड कोर की चल रही है, वीवीपीआई वाली चल रही है, एमवीसी अप्रोच वाली भी सून आएगी, डॉट एंड कोर वाली सीरीज की चल रही है, एजियो डाटा फैक्ट्री की सीरीज चल रही है, और भी सीरीज आने वाली है, रिएक्ट की आने वाली है, लिंक्यू। जब तक आप ये लिंक्यू वाली सीरीज देख रहे होंगे, अभी तो इसी यहाँ पे फरवरी का डेट है, तो फरवरी में अभी एजियो की सीरीज डाटा फैक्ट्री वाली हर रोज चल रही है, मतलब संडे को सुबह 11 बजे के आसपास हो जाएगा वीडियो आ जाएगा। बाकी सीरीज भी चलती रहती है, एचपी ऑनलाइन कोर के डाल देता है, कभी चीज़ की सीरीज डाल देता हूँ मैं, तो इस तरह से। और डॉट एंड फ्रेमवर्क की भी सीरीज चल रही है, उसका भी शॉप पेज पे काम कर रहा था, अभी उसका भी फोकस हो जाएगा। बाकी रिएक्ट की सीरीज आने वाली है, जब तक आप ये सीरीज लाइव होगी लिंक्यू वाली मार्च में या फिर अप्रैल में, तब तक रिएक्ट की भी आ जाएगी। अभी रिएक्ट की भी सीरीज शूट हो रही है, तो रिएक्ट में दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा जो आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं, रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। डल एंड बाय।